हे दोस्तों, लवली बाबा का रियल नेम नौप्रीत सिंह है। यह लिदड़ा गांव का रहने वाला था। इसके पिता एक रिटायर्ड सूबेदार थे। लवली बाबा और विक्की गोंडर की दोस्ती की कहानी 2009 में स्पोर्ट्स कॉलेज से शुरू हुई थी। मालोट का रहने वाला हरजिंदर सिंह उर्फ विक्की गोंडर स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ता था और वहाँ वह लवली बाबा के साथ रहता था। इसके बाद मिट्ठूक बस्ती में रहने वाले प्रेमा लाहौरिया से इनकी दोस्ती हो गई। उन दिनों प्रेमा और सुखा भी दोस्त हुआ करते थे, पर कहा जाता है कि गैंग का बॉस बनने को लेकर इनके बीच दरार आ गई थी। चूंकि सुखा का गैंग पहले से ही बहुत बड़ा था, इसलिए विक्की गोंडर ने अपना दायरा बड़ा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान सुखा और लवली बाबा के बीच विवाद हो गया था। इसी वजह से 1 फरवरी 2010 को सुखा ने विधिपुर गांव के एक जिम में लवली बाबा की बेरहमी से हत्या कर दी थी। कुछ लोगों का मानना है कि यह हत्या सुपारी लेकर की गई थी, जबकि कुछ लोगों के अनुसार आपसी विवाद की वजह से यह हत्या की गई थी। इस हत्या के बाद विक्की गोंडर तथा उसके साथियों ने लवली बाबा की चिता पर कसम खाई थी कि सुखा का काम तमाम करके अपने जिगरी दोस्त की हत्या का बदला लेंगे। इसके बाद विक्की गोंडर ने कई बार सुखा से बदला लेने की कोशिश की, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। सोनू बाबा और लवली बाबा दोनों जिगरी यार थे। लवली बाबा के मर्डर के बाद सुखा चाहता था कि सोनू बाबा उसके खिलाफ गवाही न दे, लेकिन सोनू बाबा तो लवली बाबा को भाई मानता था, इसलिए सोनू ने सुखा के खिलाफ गवाही दे दी। इसी बात को लेकर कोर्ट में सोनू बाबा और सुखा के बीच कहासुनी हो गई थी और कस्टडी में सोनू बाबा ने सुखा को थप्पड़ मार दिया था। उस समय सुखा ने सोनू बाबा को कहा था कि वह हिरासत में है तो उस पर हाथ उठा दिया, पर जेल से बाहर आने के बाद वह उसे नहीं छोड़ेगा। इसके बाद सोनू बाबा को ऐसा लगने लगा कि अगर सुखा जेल से बाहर आ गया तो उसे नहीं छोड़ेगा। सोनू बाबा को पता था कि विक्की गोंडर और प्रेमा लाहौरिया भी सुखा को खत्म करना चाहते थे, इसलिए सोनू बाबा ने विक्की गोंडर से बात की तो गोंडर सुखा के मर्डर के लिए राजी हो गया। जनवरी 2015 में पेशी से वापस लौटते समय जैसे ही पुलिस वैन फगवाड़ा पहुंची, एक स्कॉर्पियो पुलिस वैन के पीछे लग गई और गोंडर तथा उसके साथी फॉर्चूनर से पुलिस वैन को सामने से घेर लिया। 3 शूटर ने पुलिस वैन के टायर में गोली मारी और फिर पुलिस के सारे हथियार अपने कब्जे में कर लिए। इसके बाद विक्की गोंडर तथा उसके साथियों ने सुखा को गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी और उसी के साथ उन्होंने अपने दोस्त लवली बाबा की मौत का बदला भी ले लिया। दोस्तों, तो कुछ ऐसी है लवली बाबा की स्टोरी। अगली वीडियो आप किस पर चाहते हो नीचे कमेंट करके बताओ। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।